हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर उपस्थित हूं एक नया लेसन है आपका राजस्थान राज्य के इतिहास से संबंधित। और राजस्थान राज्य के इतिहास में हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों की बात कर रहे थे। साथियों, राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण स्रोतों को विभिन्न भागों में बांटा गया था और विभिन्न भागों में जो बांटा गया था उनमें से पहला जो भाग है पुरातात्विक स्रोत, हम उसकी बात करते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत। हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत राजस्थान राज्य में मिले थे, पुरातात्विक स्रोत होते क्या है और क्या इनसे प्राप्त हुआ था। तो बात की जाती है पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वह वस्तु या सामग्री आती है जो खोज करने या खुदाई करने से प्राप्त हुई थी तथा जो ऐतिहासिक काल निर्धारण में सहायक बनती है, यानी कि ऐसी वस्तु है जिनको खोज किया गया था या खुदाई करके जिनको प्राप्त किया गया था, जो इतिहास बनाए हैं उसको का जो समय है उसका निर्धारण करने में, समय को निर्धारण करने में सहायक बनी, वो वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर कौन कौन सी सामग्रियां सम्मिलित की गई है, उनमें सामग्रियों की बात करें तो सबसे पहले आती है मृण मूर्तियां, दूसरे नंबर पर आता है मृदभांड, तीसरे नंबर पर आता है अस्थियां या हड्डियां, चौथे नंबर पर आती है पाषाण ताम्र व लोहे के हथियार, पांचवें नंबर पर आते हैं कांच एवं पत्थर के मणके या मणियां, छह नंबर पर ग्रह अवशेष और सात नंबर पर आती है मुद्राएं व मुहरें। हम इन सारी चीजों का जो मृण मूर्तियां, मृदभांड, अस्थियां, पाषाण ताम्र लोहे के हथियार, कांच एवं पत्थर के मणके, ग्रह अवशेष, मुद्राएं मुहरें इत्यादि सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कहां कहां से कौन सी चीज मिली थी और उन चीजों का हमारे इतिहास के अंदर क्या यूज आया, यानी कि इतिहास जो हमारा बना है, राजस्थान का जो इतिहास बना है उसके अंदर क्या यूज आया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मृण मूर्तियों से। मृण मूर्तियां क्या होती है कि प्राचीन काल में जो मूर्तियां पाई जाती थी उनको मृण मूर्तियां कहते हैं, यानी कि प्राचीन काल की जो मूर्तियां थी, प्राचीन काल में खुदाई करके या खोज करके जो मूर्तियां मिली थी उन मूर्तियों को मृण मूर्तियां कहा गया था। मृण मूर्तियों की बात करें तो विभिन्न सभ्यता स्थल थे राजस्थान राज्य में, विभिन्न सभ्यता स्थल थे जो कि पाषाणकालीन भी थे, प्राग पाषाणकालीन भी थे, पुरातत्वकालीन भी थे। उन विभिन्न जो सभ्यता स्थल से थे उनसे किस प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई जो मृण मूर्तियां थी, तो सबसे पहले रंगमहल सभ्यता की बात की जाए। रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, रंगमहल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में जब उत्खनन किया गया तो वहां उत्खनन से गांधार शैली की विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई। उन विशिष्ट मूर्तियों में किस किस की मूर्ति थी, गुरु शिष्य की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति और भिक्षु भिक्षुणियों की मूर्ति। यानी कि रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में जब वहां पर उत्खनन किया गया, खुदाई का कार्य किया गया तो वहां से गांधार शैली की विशिष्ट मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। उन विशिष्ट मृण मूर्तियों में शामिल कौन कौन सी मूर्तियां थी, गुरु शिष्य की मूर्ति, शिव पार्वती और भिक्षु भिक्षुणियों की मूर्तियां प्रमुख थी। उसके बाद जब बालाथल सभ्यता स्थल जो कि उदयपुर जिले में है उसमें खुदाई की गई तो वहां पर बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली थी। और इसके अलावा रेड सभ्यता स्थल टोंक जिले में, वहां जब उत्खनन किया गया तो वहां से मातृ देवी व गजमुखी यक्ष की हाथ से बनी मूर्तियां मिली। यानी कि सारे सभ्यता स्थलों में तीन सभ्यता स्थल ऐसे हैं जहां से विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। वो सभ्यता स्थल कौन कौन से, रंगमहल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़, बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर और तीसरा रेड सभ्यता स्थल टोंक निवाई। तो ये मृण मूर्तियां जो थी ये हमारे जो राजस्थान राज्य के इतिहास है उसको लिखने में सहायक बनी थी। अब बात करते हैं हम मृदभांडों की बात की जाए तो मृदभांड होते क्या है। सबसे पहली बात, मृदभांड होते क्या है कि प्राचीन कालीन समय में जो मिट्टी के बने बर्तन थे उनको मृदभांड कहा जाता था। यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों को, कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तनों को मृदभांड कहा जाता था। मृदभांडों की बात की जाए तो जब कालीबंगा सभ्यता स्थल जो कि हनुमानगढ़ जिले में है और सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है कालीबंगा सभ्यता स्थल जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की याद दिलाता है, सरस्वती नदी किनारे के फलाफूला, तो उस सभ्यता स्थल पर जब खुदाई की गई तो उसकी खुदाई में जो मृदभांड मिले थे वो बहुत ज्यादा पतले और हल्के थे।
यानी कि जो मृदभांड कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में मिले थे वो बहुत ज्यादा पतले और हल्के थे, और इन मृदभांडों को, इन मिट्टी के बर्तनों को चाक पर बनाया गया था, और यह जो बर्तन थे इनका रंग लाल था, इनके मध्य भाग पर काली और सफेद रंग की रेखा स्पष्ट दिखाई देती थी, इनके अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई थी, और इन बर्तनों के मुख्य रूप से जो थे वो घड़े, प्याले, लोटे, हांडिया, रकाबलिया, सरावले, पहने वाले ढक्कन, तवे इत्यादि प्रमुख थे। दूसरी, जब रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है तो हनुमानगढ़ जिले की रंगमहल सभ्यता में खुदाई की गई तो वहां से जो मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन मिले थे वो काफी मोटे, खुरदरे, लाल या गुलाबी रंग के, दृढ़ तथा अलंकृत है। इसके बाद बात की जा रही कि आहाड़ सभ्यता में जब खुदाई हुई, आहाड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है, आहाड़ सभ्यता, आहाड़ नदी, आहाड़ इसको बोलते हैं, तो आहाड़ सभ्यता स्थल में जब खुदाई की गई तो वहां से काले व लाल रंग के मृदभांड मिले, और जिनमें मुख्य रूप से जो मृदभांड था वो अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले, खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले, और उन बड़े जो मृदभांड है उनको गोरे या कोठे कहा जाता था। फिर बात करते हैं उदयपुर जिले में ही बालाथल सभ्यता स्थल की खुदाई की गई। जब बालाथल सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो बालाथल सभ्यता स्थल से लोह काल के स्तर के लाल रंग के मृदभांड मिले, जिनके ऊपरी किनारे पर ब्राह्मी लिपि में एम अक्षर खुदा हुआ है। यानी कि बालाथल सभ्यता स्थल से लोह काल स्तर के लाल रंग के मृदभांड मिले और उनकी ऊपरी सतह पर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ था, एम अक्षर लिखा हुआ था। इसके बाद आता है बागोर सभ्यता स्थल की जब खुदाई की गई तो बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में है, और वहां पर जो मृदभांड मिले, मिट्टी के जो बर्तन मिले वो काफी मोटे, जल्दी टूटने वाले तथा अलंकृत रहित थे। बरोर सभ्यता स्थल जो कि श्रीगंगानगर में, वहां से जो मिट्टी के बर्तन हुए उन मृदभांडों की मिट्टी काली पाई गई, और ऐसी मिट्टी देश की किसी भी सभ्यता के उत्खनन में नहीं पाई गई थी मृदभांडों की। यानी कि बरोर सभ्यता स्थल एक ऐसा स्थल है जहां पर मृदभांडों की मिट्टी काली पाई गई, अन्य किसी सभ्यता में मृदभांडों की मिट्टी काली नहीं पाई गई थी। और उसके बाद आता है गिलुंड सभ्यता, तो गिलुंड सभ्यता स्थल राजसमंद के जिले में है, और जब गिलुंड सभ्यता स्थल पर खुदाई का कार्य किया गया, उत्खनन कार्य हुआ, तो यहां से 5 प्रकार के मृदभांड मिले, जिनमें सारे काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और कुछ काले चित्रित मृदभांड मिले थे। तो राजस्थान राज्य की विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले, और इन मृदभांडों का क्यों अध्ययन किया गया है, कि अध्ययन इसलिए किया गया है क्योंकि ये हमारे राजस्थान राज्य के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है। अब आगे आइए बात करते हैं अस्थियां एवं हड्डियों की। अस्थियां एवं हड्डियां होती क्या है, अस्थियां या हड्डियां रीढ़धारी जीवों का वह कठोर अंग है जो अंत कंकाल का निर्माण करती है, इसके अलावा मनुष्य को सपोर्ट प्रदान करती है, सहारा देती है, और उसके अलावा उसको चलने फिरने घूमने में सहायता प्रदान करती है। अस्थियां जो थी ये विभिन्न प्रकार की अस्थियां, मानव की अस्थियां, पशु पक्षियों की अस्थियां, हड्डियां जो कि खुदाई में मिली थी, कहां से किस प्रकार की अस्थियां मिली थी हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ की खुदाई की गई तो वहां की खुदाई में जो प्राप्त अस्थियां अवशेषों से ज्ञात होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग पशु पालते थे, यानी कि पशु प्रेमी थे। दूसरी बात, उदयपुर जिले में आहाड़ सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो आहाड़ सभ्यता स्थल की खुदाई में जो भवन मिले थे, यानी कि मकान जो मिले थे, उन मकानों में मछली, भेड़, बकरी, भैंसा, मुर्गी, हिरण, सुअर आदि जानवरों की तोड़ी व टूटी हुई हड्डियां प्राप्त हुई थी। इनसे ज्ञात हुआ कि यहां पर कौन कौन से जो हड्डियां मिली थी, अस्थियां मिली थी, उन्हीं अस्थियों से ज्ञात हुआ कि यहां पर किस जमाने के, किस सभ्यता के कौन से जानवर, जीव, पशु, पक्षी थे। उसके बाद आती है बागोर सभ्यता स्थल जो कि भीलवाड़ा जिले में, उसके उत्खनन जब किया गया तो बागोर सभ्यता स्थल से ऐसी अस्थियां या ऐसी हड्डियां मिली थी जिनसे यह स्पष्ट पता लगाना असंभव था, कठिन था कि यह जो अस्थियां हड्डियां कौन कौन से पशुओं की है। परंतु पशुपालन क्रिया से संबंधित जो प्राचीनतम अवशेष थे वो हमें किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं, बागोर सभ्यता स्थल से।
यानी कि प्राचीन सभ्यता जो है, सबसे प्राचीन सभ्यता जिसमें पशुपालन के अवशेष मिले थे वो थी बागोर सभ्यता। परंतु यहां पर जो हड्डियां मिली थी उन हड्डियों से पता लगाना असंभव था कि किस प्रकार के जानवर, किस प्रकार के पशु पक्षी यहां पर हैं। उसके बाद आती है बालाथल सभ्यता स्थल की बात की जाए तो बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर में जब उत्खनन किया गया तो यहां से जो अस्थियां, जो हड्डियां प्राप्त हुई थी उनसे 32 जानवरों की प्रजातियों की पहचान की गई थी। यानी कि बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर से 32 प्रजातियों के जानवरों की पता चलता है। यहां की गई खुदाई से जो हड्डियां मिली थी, जो अस्थियां मिली थी, उनसे 32 प्रकार की प्रजातियों के होने की पुष्टि होती है। इनके अलावा बैराट सभ्यता स्थल जयपुर और तिलवाड़ा सभ्यता स्थल बाड़मेर से भी पशु पक्षियों की अस्थियां, हड्डियां के अवशेष मिले थे। अब आगे बात करते हैं हम पाषाण, ताम्र व लोहे के हथियार। पाषाण व ताम्र लोहे के हथियार आयुध, तो आयुध सभ्यता स्थल उदयपुर से पाषाण एवं ताम्र के हथियार एवं छीलने, छेद करने व काटने के उपकरणों के अवशेष मिले। बालाथल सभ्यता स्थल से ताम्र औजारों के अवशेष मिले। इसके अलावा बागोर सभ्यता स्थल की बात की जाए तो बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में उत्खनन जब किया गया तो बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा से उत्खनन में पाषाण के बने नोकदार, तेज धार वाले तिरछे फलक व त्रिभुजाकार उपकरण मिले हैं। तो राजस्थान राज्य की विभिन्न जो सभ्यताएं हैं उनसे विभिन्न प्रकार के हथियार मिले जिनका की उपयोग काटने, छीलने, शिकार करने इत्यादि में किया जाता था। वो सारे हथियार कौन कौन सी सभ्यता से कौन से मिले हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जब गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर की खोज की गई तो यहां से तांबे के हथियार मिले जिनमें कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे मुख्य थे। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता स्थल से एक तांबे का बाणाग्र मिला है और तांबे का बाणाग्र जो मिला है उससे प्रतीत होता है, उससे साक्ष्य मिलते हैं कि यहां के लोग यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वह शिकार करने के आदि थे, यानी कि वह इस बाणाग्र का उपयोग शिकार करने में करते थे, यानी कि शिकार का काम करते थे। इसके बाद आती है सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू। तो सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू से लोहे के तीर व भाले के अग्रभाग के अवशेष मिले जो कि लोह काल की याद दिलाते हैं। और इसके अलावा रंगमहल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ और रेड सभ्यता स्थल टोंक से भी लोहे के हथियारों के अवशेष मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांचे एवं पत्थर के मणके और मणियों की। तो कांचे एवं पत्थर के मणके और मणियों की बात की जाए तो कांचे एवं पत्थर के जो मणके और मणियां हैं वो कालीबंगा सभ्यता स्थल जब हनुमानगढ़ की खुदाई की गई, यानी कि हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा सभ्यता स्थल की जब खुदाई की गई तो वहां से तांबड़े पत्थर के मणके व कांच के मणके प्राप्त हुए। ये तांबड़े पत्थर के मणके और कांच के मणके कालीबंगा सभ्यता स्थल से मिले। इसी के साथ साथ जब आहड़ सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो वहां से मणकों से निर्मित लड़ियों वाले हार, मालाएं व स्फटिक मूल्यवान पत्थर मिले जो कि राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्त्रोत हैं, राजस्थान राज्य के इतिहास को के स्त्रोतों के। उसके बाद बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर में उत्खनन से बहुमूल्य पत्थर के मणके मिले। बरोर सभ्यता स्थल श्री गंगानगर में जब उत्खनन किया गया तो बरोर सभ्यता स्थल से लाजवद मनके मिले और लाजवद मनके पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के मनकों की यदि बात की जाए तो लाजवद प्रकार के मनके केवल और केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं, यानी कि भारत में तो मिलते नहीं, भारत की किसी भी सभ्यता में इस प्रकार के मनके नहीं मिलते। सिर्फ मिलते हैं तो कहां मिलते हैं, अफगानिस्तान में। ओझियाना सभ्यता स्थल भीलवाड़ा के उत्खनन से पत्थर के मणके मिले और नलियासर जो कि सांबर सभ्यता स्थल जयपुर से कांच की चूड़ियां प्राप्त हुई है। तो कांच की चूड़ियां और मणके में बात की जाए तो विभिन्न सभ्यताओं से विभिन्न प्रकार की चूड़ियां और मणके प्राप्त हुए जिनमें बरोर सभ्यता स्थल श्री गंगानगर का मणका फेमस है क्योंकि वहां से लाजवद मनके मिले थे जो कि सिर्फ अफगानिस्तान में मिलते हैं। अब आगे आइए बात करते हैं हम ग्रह अवशेषों की। तो ग्रह अवशेषों की बात की जाए तो जब कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में उत्खनन कार्य किया गया तो यहां पर कच्ची ईंटों के बने मकान मिले। पक्की ईंटों का प्रयोग सिर्फ नालियां बनाने में किया जाता था या चार दीवारी में किया जाता था। मकान जो बने थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और जो ये मकान बने थे कच्ची ईंटों के मकान जो बने थे, इन मकानों की छतें लकड़ी
कि बल्लियों और मिट्टी से बनाई जाती थी। आर्य सभ्यता स्थल की बात की जाए तो आर्य सभ्यता स्थल उदयपुर में जब उत्खनन किया गया तो यहाँ के जो मकान मिले थे वो मुलायम काले पत्थरों से बने हुए थे तथा जो ये मकान थे इनके घरों की फर्श पत्थरों से समतल किए गए थे। इस प्रकार के प्रमाण हमें इस सभ्यता से मिलते हैं। कौन सी? आर्य सभ्यता स्थल से। तो गृहावशेष में हमें कालीबंग सभ्यता स्थल और आर्य सभ्यता स्थल से गृहावशेष मिले थे जिनका हमने जिक्र किया है। अब आगे ये बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों में लास्ट और फाइनल स्रोत मुद्राएं मोहरों की। तो मुद्राएं मोहरों की बात की जाए तो जब आर्य सभ्यता स्थल में खुदाई की गई तो वहां से 6 तांबे की मुद्राएं मिली और इनके साथ ही 3 मोहरें प्राप्त हुई। और इन 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरों में से कुछ मुद्राएं ऐसी थी जिनसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि स्पष्ट नहीं थी कि ये किस काल की मुद्रा है, कि प्राचीन काल की मुद्राएं, वर्तमान काल की मुद्राएं हैं या फिर अन्य काल की, लोह काल की है, ताम्रयुगीन काल की मुद्राएं हैं। उसके बाद जब बैराट सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो बैराट सभ्यता स्थल आप जानते हैं कि जयपुर जिले में। हम हमारा पुराने वीडियो पढ़ चुके हैं जिनमें हम सभ्यताओं के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो प्राचीन सभ्यताएं आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो बैराट सभ्यता स्थल में जब जयपुर में उत्खनन कार्य किया गया तो वहां से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है जिनमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं, शेष बची 28। वह 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की है। रंगमहल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ से कनिष्क कालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा नलियासर सांबर सभ्यता स्थल जयपुर में उत्खनन से 150 तांबे की मुद्राएं मिली है। तो साथियों, बात की जाए कि हमारे पास जो राजस्थान राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में जो 7 प्रमुख स्रोत थे, 7 प्रमुख स्रोत कौन कौन से? मृण मूर्तियां, मृदबर्ण, अस्थियां, हड्डियां, पाषाण, ताम्र, लोहे के हथियार, कांच एवं पत्थर के मणके या मणियां, गृह अवशेष, मुद्राएं व मोहरे। इनकी हमने बात की कि कौन सी सभ्यता से हमें क्या मिला, क्या कैसा कैसा मिला, इन सब की हमने बात की जो कि राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है। इसके अलावा साथियों, प्लीज वॉच कंटिन्यू नेक्स्ट लेसन आल्सो। हमारा नया लेसन आने वाला है जो कि राजस्थान राज्य की पुरातात्विक पुरालेखीय अवशेषों से संबंधित है, तो अगला लेसन आप देखिए। और यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें। आपसे विनती है कि कमेंट जरूर करें, आपका अच्छा व बुरा कमेंट हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके के अलावा डेली करंट अफेयर्स जीके पढ़ाते हैं और इसी के साथ साथ हम विज्ञान साइंस भी पढ़ाते हैं। साथियों, आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और फ्यूचर के लिए अपने पास रख लीजिए। साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।